मेन चीज कौम को फसाद से बचाओ। मेरे जहन में कुछ नहीं है, अगर इसको कोई किसी तरफ घुमाता है तो अल्लाह के यहाँ वो खुद जवाबदेह होगा। मैं खुदा जानता है कौम के इत्तेहाद की खातिर पढ़ना चाहे। मौला ने मुझको इजाजत दी है कि अगर कहीं मेरे चाहने वालों में इख्तलाफ हो जाए, मेरा पैसा खर्च होता है, खर्च कर दो मगर इनको एक कर दो। तो जो फरमाया आपने, इमाम की ख्वाहिश है कि हमारे चाहने वाले एक हों, और अगर हम उन्हीं के नाम पर अलग हो जाएं, मुहर्रम आ रहा है। और इसीलिए मैं अब इस मौजू पर चलूंगा दो चार दिन। मुहर्रम आ रहा, एक होने का ज़माना है ना, हैं अरबों में एक मसला है, हुब्बुल हुसैन यजमाउना, हुसैन की मोहब्बत ने हमको इकट्ठा कर दिया है। तो हुसैन का इश्क, हुसैन की मोहब्बत, हुसैन की मजलिस, हुसैन की अज़ा, हुसैन का मुहर्रम इत्तेहाद का मरकज होना चाहिए ना। क्या नहीं, उनके हम मजलिस में नहीं जाते, नहीं जा हमारे जो है उनका। बाबा ये मामला इमाम हुसैन का है ना, आप यकीन कीजिए मुमकिन है। इसके पीछे कोई हदीस नहीं जो मैं बात कह रहा हूं, लेकिन जो हदीसें पढ़ी गई उससे ये अंदाजा निकल सकता है, मुमकिन है। मजलिस न करना कभी कभी मजलिस करने से ज्यादा सवाब का बाइस बन जाए। दो जगह है लड़के, नहीं जाओ हमारी तो इसी टाइम पर होगी, नहीं जाओ हमारी तो इसी टाइम पर होगी। इन्होंने उनकी तरफ माइक लगा दिया, उन्होंने उनकी तरफ माइक लगा दिया। आप आए, आपने गौर किया कि यार मजलिस तो मजलिस है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, यहाँ आओ, हटाओ सब कुछ, बंद करो माइक, चलो उनके यहाँ मजलिस में चलते हैं। अपनी मजलिस बंद कर दी, वहाँ मजलिस में चले गए। मेरे तो नज़र अकीदा यही है कि शायद ये मजलिस न करके उस मजलिस में जाना, पैसा भी बच गया, सवाब भी ज़्यादा हुआ। इसलिए कि वो जो मजलिस करते वो इमाम हुसैन की तो होती ना, वो तो वर्चस्व की होती ना, इख्तदार की होती ना, मुकाबले की होती ना, उससे इमाम हुसैन से क्या मतलब था। लेकिन हम अपनी बंद करके जो उसके यहाँ गए तो इखलास था इमाम हुसैन के, है ना। यहाँ तो एक एक पाई आना आना। अब ये मत समझिए कि हम लोग जो करते हैं कुछ इनको पता नहीं चलता, सब पर नज़र है इनकी। आप बुज़ुर्गों से माजरत के साथ, आपके मेयार की मजलिस नहीं थी, अपने छोटे भाइयों से, अपने बच्चों से हाथ जोड़ के मिन्नती करता हूँ, मेरे बच्चों मेरे भाइयों, हुसैन के नाम पर एक रहना, हुसैन के नाम पर एक रहना। कितना पुराना झगड़ा है, 100 साल का है, 200 साल का है, जमींदारी के जमाने का है, सब भूल जाओ। वो बुजुर्ग अपना हिसाब देंगे कब्र में। तुम हुसैन के नाम पर चले जाओ चाहे जिसके यहाँ मजलिस। इसलिए कि इमाम ने जो कुर्बानी दी है करबला में, हजरत का यही मकसद था, इन्नी खरजतु लितलब अल-इस्लाह फी उम्मति जद्दी, मैं इसलिए निकला हूँ ताकि नाना के उम्मत में इस्लाह कर सकूँ। यह इस्लाह नहीं है कि हम हुसैन के नाम पर ग्रुप बना लें, यह इस्लाह नहीं है कि हम हुसैन के नाम पर पार्टी कर लें। इस्लाह तो ये है कि साल भर जो कुछ किया उसको भूल करके हुसैन के नाम पर एक हो जाएं, हुसैन के नाम।